बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुलुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हमारा लेक्चर है 28। अच्छा, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था, और उसमें हमने एक देखा था कि हम उसकी कैसे CDF लिख सकते हैं, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होते हैं, और किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने फिर PDF डिफाइन किया था। उसका हमने कहा था कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें PDF को तो हमारे पास जो है उसका CDF को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास PDF आ जाएगा, या PDF को इंटीग्रेट करें हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CDF आ जाएगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिस तरीके जो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी फाइंड किया था। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हमारे पास वो क्या, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या आती है, समेशन ओवर द रेंज ऑफ वाई। ठीक है, वाई आई टाइम्स देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इसी को ही अगर हम थोड़ा सा इसको एनालॉगस करें तो डिस्क्रीट में हमारे पास समेशन है, तो हमारे पास जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास किस लिए है, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमारे पास रैंडम वेरिएबल से अगर हम एक्स ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास सब इंटीग्रल फॉर्म में आ गई, और ये हमारे पास किस लिए आ गई, फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो, ठीक है, कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कि हमारे पास क्या चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक, सो ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, जिस तरीके से हमने डिस्क्रीट में फाइंड किया था तो उसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, जी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस जी ऑफ एक्स विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल वही है, सिंपल एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास, यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, नथिंग डिफिकल्ट। अच्छा, कुछ जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, ठीक है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है जो डिस्क्रीट में देखी थी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखी थी, एक्स माइनस म्यू एक्स, ठीक है, जो फर्स्ट हमने कहा था कि सेंट्रल मोमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास जीरो आएगा जी। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसकी लिनियरिटी देखी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, वो सिंपली क्या आ जाएगा, ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएंस की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है, कि वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, और इस तरीके से वेरिएंस की जो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो वो सेम उसी तरीके से आ जाएगी, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है बात जी, अब सेकंड मोमेंट और जो वेरिएंस है वो भी उसी तरीके से डिफाइंड होगा जिस तरीके से हमारे पास फर्स्ट मोमेंट डिफाइंड है। ठीक है, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हम डायरेक्टली डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है,
अच्छा जी, ये तो हमारे पास सिंपल आ गए, क्योंकि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या चीज़ होती है। जैसे कंटिन्यूस डिस्क्रीट एंड वेरिएबल के लिए था, सेम इसी तरीके के लिए है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ है तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी, यहाँ पे क्विज़ 4.4 के नाम से। ठीक, ये क्या कहता है जी कि हमारे पास एक पीडीएफ के मैंने FIFI विच इज 3y² / 2 और फॉर द इंटरवल -1 से 1 तक एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है जी, स्केच करें इसको। स्केच करना मुश्किल नहीं है, इसको आसान है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास y आ गया, ये FYFY आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ये +1 और यहाँ पे -1। ठीक है, सो जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 3 × 1/2 मीन्स 3/2 विच इज़ 1.5। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 0 के ऊपर 0 ही है, इन बिटवीन हम वैल्यूज देखिए, क्योंकि स्क्वेयर है तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी। ठीक है, कर्व होगा। ठीक है, इस तरीके से 1 के ऊपर भी आएंगे तो हमारे पास 3/2 ही आ जाएगा, मीन्स विच इज़ 1.5। सो ये हमारे पास क्योंकि स्क्वेयर वैल्यू है तो ये हमारे पास इस तरीके से एक इवन कर्व बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो ए पार्ट है वो क्या कहते हैं जी, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई किसके बराबर है, -∞ to ∞ वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिमिट्स देख लें, क्या -∞ से लेके -1 से पहले तक 0 है, इसी तरीके से +1 से लेके इन्फिनिटी तक 0 है। तो हम लिमिट इसकी -1 से +1 वाई एफ वाई एफ वाई डी वाई। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से 1 तक। ठीक है, वाई इंटू हमारे पास क्या है, 3y² / 2 डी वाई। तो ये क्या आ जाएगा, -1 से 1, 3/2 बाहर लें कॉन्स्टेंट है, y³। ठीक है, डी वाई सही। सो ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y⁴/4। ठीक है, सो y⁴/4 तो विच इज 3/8 y⁴ -1 से 1 तक। ठीक है, सो अब इसको अब क्योंकि इवन फंक्शन है, ठीक है, एवरेज हमारी नज़र भी आ रही है यही है। ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो फिर भी 3/8 आ जाएगा, लेकिन वो माइनस के साथ। ठीक है, सो मीन 3/8 -3/8 विच इज़ 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका क्या कहते हैं जी कि सेकंड मोमेंट फाइंड कर लें। तो सेकंड मोमेंट क्या है, -∞ से ∞ y² FY(FY) dy, वही लिमिट्स एडजस्ट कर लें, -1 से +1 तक है, y² FY(FY) dy। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दें, 3/2 y² ठीक है, -1 से 1 तक dy। सो ये क्या आ जाएगा, 3/2 -1 से 1 तक y² dy। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी, 3/10 y⁵ -1 से 1 तक। अब ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि अब ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें साइन 0 नहीं होगा। ठीक, सो इसको जिस वक्त हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3/5। ठीक, अब वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y। ठीक, सो वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y² माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड की हुई हैं, ये 3/5 है और ये 0 है। ठीक है, 0 का स्क्वेयर, सो हमारे पास वेरिएंस इसका 3/5 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास सी पार्ट था। ठीक है, ये हमारे पास डी पार्ट आ गया। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक,
सो हमारे पास वेरियंस आया है 3/5 स्क्वेयर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं अभी रुक जाऊँगा, ठीक है, इस लेक्चर के लिए, छोटा सा ये टॉपिक था। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे पास टॉपिक आता है फैमिलीज ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।